पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। चौधरी परवेज इलाही सदारत करेंगे। अरकान की आमद का सिलसिला जारी। नून लीग का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर भरपूर एहतजाज का फैसला। लीगी अरकान को टास्क सौंप दिया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हिकमत अमली तय। नैब नून लीग से सियासी इंतकाम ना ले, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। हमजा शहबाज की गुफ्तगू। फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। शहरी मुजरे सेहत अचार खाने से बच गए। काला खताई रोड पर जाजम अचार प्रोडक्शन यूनिट पर छापा। 60,000 किलो नाकिस अचार बरामद। यूनिट सील। गले सड़े और फफूंदी लगे फलों और सब्जियों से अचार तैयार की जाता था। फूड अथॉरिटी। कैदियों के लिए बड़ी खबर। पंजाब भर की जेलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का फैसला। कैदियों की तिब्बी सहूलत के लिए क्लिनिक बनेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर तमाम अखराजात जाती तौर पर अदा करेंगे। 11 नवंबर को इफ्तिताह करेंगे। म्यानी साहब और मियां मीर के बाद अब मॉरल टाउन कब्रिस्तान में कब्जा माफिया का खात्मा। ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 16 इहाते, घर और दो दुकानें मिसमार कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर का दौरा, मिसमारी के अमल का जायजा लिया। लाहौर न्यूज की काविशों को सराहा। पीपी 168 में जिमनी इंतखाब का दंगल। तहरीक इंसाफ ने मलिक असद अली खोकर को मैदान में उतार दिया। पार्टी की जानिब से टिकट जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी को किसी एनआरओ की जरूरत नहीं है। दूसरों को टीज करने का अमल ज्यादा अरसा नहीं चल सकता। हुकूमत मुलाजमीन की तनख्वाहों का इशू हल करे, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बहाल करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी कवर जमान कायरा की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहीद डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन को खिराज अकीदत। जीसी यूनिवर्सिटी में हॉकी टूर्नामेंट का इनाकाद किया। फाइनल जीसी यूनिवर्सिटी ने सिटी ट्रैफिक पुलिस की टीम को शिकस्त देकर जीत लिया। सीटीओ ने खिलाड़ियों में इनाम तकसीम किए।